गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? पीबीआर स्टडी की तरफ से आप सभी को दीपोत्सव अर्थात दीपावली के महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके ऊपर प्रभु की कृपा बनी रहे और आप अच्छे कार्यों को करते रहें, बस यही कामना होगी। आज चलिए हम लोग कुछ नया करते हैं। सर्वसमिका, सर्वसमिका मतलब आइडेंटिटी। इसके बारे में हमने पिछली क्लास में आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया था। ये सर्वसमिका की लास्ट क्लास है। इसमें हम लोग जो देखने वाले हैं वो बहुत ही रोचक है। जब दो फार्मूलों को आपस में घटाया जाता है तो इस तरह के सवालों को कैसे लगाते हैं। आपने अभी तक पढ़ा था a प्लस बी का ये स्क्वायर वाला था, क्यूब वाला था यार, ये क्यूब वाला है। a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब, ये अभी तक आपने पढ़ा है ना? पढ़ा है ना? तो अगर इसको घटाते हैं आपस में, तो एक नया फार्मूला बनता है। वो फार्मूला है 2b का क्यूब प्लस 6a स्क्वायर b। इसका नया जन्म होता है। तो इसी फार्मूला का हम क्या करेंगे, इसी सूत्र का उपयोग इस सवाल में कर देंगे। सीधा सीधा आसान हो जाएगा। तो आप जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब जब आपस में सबट्रैक्ट करते हैं तो हमें जो नया मिलता है वो 2b क्यूब और प्लस 6a स्क्वायर बी मिलता है। मान रख दीजिए, यहाँ अगर कंपेयर करें b की तो देखोगे आप b बराबर 7 है। क्या है? 7। तो ये हो जाएगा इतना प्लस 6। अगर a की बात करें तो x है, मतलब कि x का स्क्वायर, ये फाइनल में हो गया आंसर। 7 का क्यूब करोगे 7 × 49 = 343 है ना? तो ये हो जाएगा 3 कहाँ से आएगा, ये 2 है ना, 2 × 343 विकास 7 का क्यूब इक्वल 343 होता है, प्लस ये 6 × 7 = 42 x² इसको आप मल्टीपल कर लो तो ये 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6 और प्लस ये हो गया 42 x². आप चाहो तो इसमें कामन ले सकते हो, 6 कामन हो जाएगा, नहीं होगा 3 कामन हो सकता है, बट इसमें नहीं होगा, मतलब 2 कामन हो जाएगा। तो वही बचेगा 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6 और प्लस ये हो जाएगा 21 x². बात समझ में आ रही ना? नहीं तो इससे कोई मतलब नहीं है, आप फाइनल में यही लिख दो, वो भी सही है जो ऊपर वाला आंसर आ रहा है। दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। इसको नोट करिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हो गया इतना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सामने से मैं हट जाता हूँ, आगे पीछे हो रहा हूँ, जिससे आप इसको नोट कर लो फटाफट। चलिए अब इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लेंगे, सेम टू सेम वन क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, वो हम आपको लिख के दे रहे हैं। फार्मूला यहाँ पर नहीं लिखा रहेगा, आप चीटिंग नहीं करना है, इसलिए मैंने मिटा दिया। क्वेश्चन नोट करिए, 7k − 5l³ इसी में का दूसरा है, 7k − 5l³ माइनस वाला मैंने बताया था ना आपको, निगेटिव वाला, तो यहाँ पे माइनस ही कर लो, 7k − 5k³। इसको हल करना, होमवर्क है आप लोगों के लिए, ठीक। सेम टू सेम जो अभी मैंने बताया उसी टाइप का है। हाँ, इसमें आपको बता दें एक बहुत ही जो झंझट वाला आपको लग रहा है कुछ इसी टाइप में, एक और समझ लो। अगर बात करें ये कौन सा सवाल है, तो ये एक अच्छा 8 की NCERT मैथ एक्सरसाइज 4b का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। 5 का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, सरल कीजिए, सिंप्लीफाई करना है। y/2 प्लस z/, नोट करिए 3, बस यही है, इसका होल क्यूब माइनस y/2 माइनस z/3 का होल क्यूब। देखिए साथियों, अभी हमने आपको फार्मूला सिखा दिया, सूत्र दिखा दिया ना, क्या था वो,
वो ये था कि जब ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब होता है तो ये 2b³ प्लस 6a² b आता है। यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर हम कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत कुछ दिख जाएगा। ये फार्मूला है, क्यूब रहेगा ये, ठीक ना? इतना बात पक्की है। देखिए, ए की जगह पर वाई अपान टू है और बी की जगह पर जेड अपान थ्री है, तो रख लो फटाफट बी की जगह पर जेड अपान थ्री इसका होल क्यूब, और का है प्लस का साइन है तो ये प्लस, 6 है तो 6, ए की वैल्यू क्या है यहाँ से कंपेयर करो वाई अपान टू इसका होल स्क्वायर और बी का वैल्यू है जेड अपान थ्री, बस हो गया आंसर। ये हो जाएगा 2 इंटू, देखो सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें जेड अपान थ्री का होल क्यूब का तो ये हो जाएगा जेड का थ्री और ये थ्री का क्यूब 27 होता है, तो ये हमें मिल जाएगा जेड का क्यूब अपान 27 और प्लस ये फाइनल में हो जाएगा वाई का स्क्वायर अपान 4 इंटू जेड अपान थ्री। लास्ट स्टेप में बात करें तो ये कटेगा नहीं किसी से। यार कुछ गड़बड़ लिख रहा है काम, सही है, ये कटेगा नहीं किसी से और प्लस ये देखो कट जाएगा, 2 से कटेगा ये तो, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, और कुछ कटेगा? देखो ये मल्टीपल में है, 3 से भी कट सकता है, कोई संकोच होगा तो बता देना। ऊपर सब मिला करके 1 आ गया, यानी कि वाई का स्क्वायर इंटू जेड अपान, देखो ये भी कट गया, नीचे 2 बचा है, ये आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए, अगर कोई संकोच है तो बताना, कैलकुलेशन करना आना चाहिए जीरो लेवल मैथ में। अगर आपने अभी तक पिछली क्लास के वीडियोज नहीं देखे, क्लास नहीं अटेंड किया तो उनको देख लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो की क्वालिटी को चेंज कर लीजिए। और हाँ एक बात मैं आपको बताना भूल गया, अगर अभी तक आपने पीवीआर स्टडी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप इस क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पीवीआर स्टडी के ऑफिशियल फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर आप फॉलो करेंगे तो फिर वहाँ से आपको फ्री की क्लासें उपलब्ध होंगी, अगर आप इसको नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है कि आपको क्लास ना मिल पाए। तो ये तो छोटी मोटी बातें थी जो आप समझ गए, इसको नोट कर लिए होंगे। तो हम आगे चलें, अगला हमारा जो क्वेश्चन है साथियों वो है दक्षता अभ्यास में अगर हम आ जाएं तो बड़े ही मज़ेदार सवाल दिए गए हैं, इनको आप लोग ट्राई करना, कुछ सवाल इस तरह से खुद से करना और कुछ सवाल यहाँ पर बता दिए जाएंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, और कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। तो भाई कुछ तो करो ना, तभी तो कुछ जय जयकार होगी। दक्षता अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो दिया है 8 + x³ का मान बताओ। अब बताओ इसका मान कौन बताएगा, है कोई बताने वाला? ऑप्शन दे दें क्या, बिना ऑप्शन के ही बता दो, कौन कर लेगा? यस बोलो बस फटाफट जल्दी से। देखिए इसमें जो 8 दिया है इसको तोड़ लोगे, ये देखकर आप चौंक गए होंगे कि ऐसे कैसे हो गया। ऐसे इसलिए हो गया, देखिए 8 का हम क्यूब के रूप में अगर करें तो आप जानते हो 8 को हम लिख सकते हैं 2d³ लिख सकते हैं, इसमें कोई संकोच नहीं है, है ना? जैसा कि अगर हम बात करें 512, तो 512 को हम लिख सकते हैं 8³। हल करके देख लेना, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर आना चाहिए, तो ये तो सिंपल सी बात है, आप कर ले जाओगे। अब दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि ये इसके बराबर कैसे हो गया? आपने बचपन में छोटे जब थे तब पढ़ा होगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इक्वल, ये फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए का स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर, बोलो पढ़ा था। लेकिन साथियों यहाँ पर मुझे कुछ संकोच लग रहा है, वो क्या है कि ये फार्मूला जो है गलत है, काहे लिए यहाँ पर माइनस होता है, आप लोग अपनी राय बताना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये -2x हो जाएगा, ठीक ना? अब नोट कर लीजिए, बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए थे
उनमें से ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा, 4 बी में। कौन सा ऑप्शन? सेकेंड। क्वेश्चन नंबर चौथा है ये दक्षता अभ्यास का। ठीक है, हो गया, आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया। अब एक छोटा सा सवाल अगर हम आपके लिए बताएं तो उसको आप करके बताना। और हाँ, उसके पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये साइड में जो लिखा है ना, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अगला अगर सवाल की बात करें, पाँचवा, 1 - 27 π³। 1 - 27 π³, इसका मान बताना है। कौन कौन बता लेगा? मान बताना। देखिए, मैं सिंपल सा बात बता दे रहा हूँ आपको। 1 को आप 1³ लिख सकते हो, 27 π³ आप कर सकते हो, इसके बराबर कर सकते हो ना। अब तो फार्मूला मालूम है माइनस वाला। प्रिय साथियों, 1³ - b³ = a - b, और a² + ab और +b² ये फार्मूला होता है। इसी में मान को ढकेल दो ला करके, बस ये देखो, 1³ - 1³ मतलब स्क्वायर, सॉरी, +ab, ये है और b ये है, मतलब 3p, और +b² यानी कि 3p² मतलब 9p². बस हो गया, आंसर आ गया। 1² करोगे 1 ही होगा, इसको हम एक ही लाइन में कंप्लीट कर दिए। आप चाहें तो 2 लाइन में कर सकते हैं, और इसको थोड़ा सुंदर सा लिख लें आगे पीछे करके, उससे कोई मतलब नहीं है, आंसर आ गया। लेकिन तो ये छोटी सी बात थी जो आप लोग सीख चुके हैं। वैसे इसमें अगर जो ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो ऑप्शन भी मैच कर रहा है। बहुत हो गया, अब आप होमवर्क करिए। होमवर्क बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, इसको आपने कर लिया होगा ना। आपको एक बहुत अच्छी बात बता दें कि आप हमें PBR स्टडी ब्लॉग पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दीपावली के दिन हम आपको दिखाएंगे आम के पेड़ की कुछ रोपाई होगी। घर पे अभी हम जाने वाले हैं, वहाँ पे दिखाएंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें दिखाएंगे, अच्छी चीज़ें दिखाएंगे, जानकारी वाली भी रहेंगी और काम की भी रहेंगी आपके भी और पर्यावरण की दृष्टि से भी। ये सवाल नंबर कुछ भी लिख लो आप, होमवर्क की दृष्टि से नोट कर लो जल्दी से, होमवर्क है। और इसमें अगर हम एक दूसरा नंबर दे दें क्वेश्चन, तो उसको भी लिख लीजिए। वो क्या है? x + 3³। और एक और लिख लो, वो है 8 + y³। एक पांचवा नंबर लिख लो आप सभी, 27 + x³। इन सभी सवाल को आप घर पे करना, होमवर्क है आप लोगों के लिए। करोगे तो बहुत मज़ा आएगा, ना करोगे तो फिर आप जानो आपका काम। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम रिपीट करने को अगर आपको दे दें तो आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि फार्मूले नोट करने के लिए एक काम ये करना कि आप लोग आंख बंद कर लेना और फिर सोचना। और वो क्या सोचना? पहले ये सोचना, तो सोचोगे बहुत आसान है ना। फिर इसको सोचना, क्योंकि ये अभ्यास खत्म हो गया है, लेकिन ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। ये सर्व समीकरण हैं आप लोगों के लिए जो कि हमने इस पूरे अभ्यास में पढ़े हैं। इनको आंखें बंद करके सोचना, आंखें बंद करके सोचना, बहुत मज़ा आएगा। और अगर याद ना होंगी ना, तो मज़ा ना आएगा। सोचना और फिर बताना। a + b + c³। ये मैंने सब बता दिया आपको इस अभ्यास में, आपने ये सब पढ़ लिया है। ये आपको आनी चाहिए अगर आप वास्तव में पढ़ना चाहते हो तो। नहीं पढ़ना चाहते हो तो फिर आप जानो आपके भगवान ही मालिक है। ये सर्वसमिका में आपको 8वां आनी चाहिए। बेसिक सर्वसमिका यही है जिसको इंग्लिश में आइडेंटिटी बोला जाता है। आप NCERT पैटर्न पढ़ोगे, इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम, हर जगह ये मिल जाएंगी। और हाँ, हम आपको क्या बता रहे थे, आइडेंटिटी ना, तो आइडेंटिटी सबकी हो चुकी है, अब यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है ये सर्वसमिका। अब अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, नया चैप्टर है 5वां जो कल से चलेगा। उसका नाम क्या है? बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड हम अगली क्लास से करेंगे। उसके पहले आप लोग और भी होमवर्क लिख लो, इसको एकदम दक्ष हो जाओ। 3.5 /
इसका मान बताना, 3.5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना, 4.5 इंटू 0.003 इसका वैल्यू बताना। अगला क्वेश्चन लिखना, 3 × 5 सही 1/7 इसका मान बताना। अगला लिख लो, 35/1000 इसका भी मान बताना। ये सब बेसिक है जीरो लेवल का, कक्षा 8 की NCERT मैथ आप देख रहे हैं PBR स्टडी की लाइव क्लास में। अगर आप PBR स्टडी को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके रखें, अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें पेज को और फॉलो करें, अगर इसे Instagram पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। PBR स्टडी लिख करके आप हमें किसी भी प्लेटफॉर्म पर खोज सकते हैं और वहाँ पर अपना अध्ययन कर सकते हैं। अनअकैडमी, यूट्यूब, गूगल, याहू, विंग, जितने भी इंजन हैं, सर्च इंजन इलेक्ट्रॉनिक में, मतलब इंटरनेट के सर्च इंजन, आप कहीं भी सर्च कर सकते हो। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें अपनी सजेशन को व्हाट्सएप पर भेज सकते हो। और हाँ, अगर आपको VIP सुविधा का लाभ लेना है, मतलब सारी क्लास व्हाट्सएप पर लेना है, यूट्यूब पर आपको क्लास नहीं मिल पा रही है और आप वास्तव में मैथ को सीखना चाहते हैं, तो आप जीरो लेवल बेसिक मैथ ज्वाइन कर लें, जिसमें आपको ज्वाइनिंग चार्ज ₹549 का पे करना होगा। उसके बाद आपको सारी क्लासें आपके व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी, जिसे आप घर बैठे देख पाएंगे कहीं से भी और कभी भी। एक बात ध्यान दें, मैं यहाँ सीधा सीधा बात बता दूँ, जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं पेमेंट करने के बाद, वो सोचते हैं कि जितनी भी हमारी प्रॉब्लम हो हम हर बार फ़ोन करें, उनसे माफ़ी चाहते हैं, वो बिल्कुल भी ज्वाइन ना करें। आप क्लास को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद अगर आपकी कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, आप अपनी बात को लिख करके व्हाट्सएप पर भेजिए। अधिकतम आधे घंटे से एक घंटे का टाइम कभी कभी लग सकता है, नहीं तो तुरंत जवाब मिलेगा। व्हाट्सएप पर आप चैटिंग कर सकते हैं, हर समय फ़ोन कॉल नहीं। अगर कोई ज़रूरी काम है, आपको ऐसा लग रहा है कि चैटिंग से नहीं हो रहा, तो आप फ़ोन कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने अगर ज्वाइन कर लिया तो आप डंडा किए रहो हर समय। बात समझ रहे हो ना? तो चलते हैं, फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। इस फ्री की क्लास को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और आपको बता दें, ज्वाइनिंग और फ्री में अंतर क्या होता है साथियों? कोई विशेष अंतर नहीं होता है। अंतर यह होता है कि जैसे अगर कक्षा 8 में हमने 10 क्लास पढ़ा है एग्जाम्पल के लिए, तो यूट्यूब पर उसमें से आपको 6 क्लास मिल जाएगी, 6 क्लास पब्लिश होगी, उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं पे करना। लेकिन इसमें से 4 क्लास गायब हो जाएगी। अगर आपको पूरा पढ़ना है तो आप पेमेंट करके ज्वाइन करेंगे तो आपको ये 4 भी मिल जाएगी। बाकी अगर इसको 4 को नहीं करना है तो आप फ्री वाली देखते रहो, लेकिन बीच बीच का टॉपिक मिस हो जाएगा तो डिसमिस हो जाएगा। चलते हैं फिर, जय हिंदनी बातों के साथ। अगली क्लास के लिए रहेगा इंतजार, 6 बजे से DLED का क्लास देखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित। 6:30 बजे से DLED की दूसरी बैच, 7 बजे से कंपटीशन के लिए मैथ होगी, जिसमें TET, RRB और अन्य परीक्षाओं के लिए। 8 बजे से कक्षा 10 की NCERT मैथ होगी। ज़्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पे सब कुछ मिलेगा। शुभ दिन, जय हिंद।